28 जुलाई सूर्य की तरह चमकने वाला आज है रविवार। कुंडली में बन रहे हैं शूल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। दूसरे शहर, राज्य या देश में आपके संबंध बनेंगे। चंद्रमा और बुध का नवम पंचम राजयोग, मन और बुद्धि का सुर ताल और लय आज शानदार रहेगा, जिससे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चंद्रमा केतु का षडाष्टक दोष आपके घर में किसी की सेहत खराब कर सकता है। सौभाग्य को बनाए रखने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे सूर्य चंद्रमा की युति अगर 8th हाउस में हो तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 जुलाई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सपने आपको डरा रहे हैं, आपको सोने नहीं दे रहे हैं, आपको खाने पीने या दिन में चैन और रात में नींद नहीं दे रहे, तो मान लीजिए कि आपके सपने वाकई में बड़े हैं। पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी सोच और आपके सपने दोनों ही बड़े नहीं हैं और आप अपने बहुमूल्य जीवन को ऐसे ही गंवा रहे हैं। तो जिंदगी में कुछ बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें सच होने के लिए जी जान लगा दीजिए। अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, आप देखिएगा आप महान बन जाएंगे। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक छोटी सी बात से करना चाहता हूं कि आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 28 जुलाई को काठमांडू हूं और 3 अगस्त को अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त को पुणे रहूंगा, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता, सितंबर महीने में 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 13 और 14 तारीख को सिडनी में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:28 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 11:48 तक अश्विनी नक्षत्र और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन शूल योग और सर्वार्थ सिद्धि दो नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश गुलाब मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो दो बार मिलेंगे, सुबह 10:15 से 12:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। कोशिश करेगा दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मन को शांत रखिए, प्रफुल्लित रखिए, तभी जीवन आपका अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि शूल योग के बनने से बिजनेस में किसी बड़े ऑर्डर और प्रोजेक्ट पर काम करिए, ऊंचाई पर पहुंचने का मौका मिलेगा। विदेश व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिलेगा और अपने माल की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं आज उनको ईमेल खुश कर सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस के साथ सुर ताल और लय बिठा के चलिए, आपको अच्छी सलाह मिलने वाली है। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। संडे को फंडे मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आज किसी यात्रा पर या स्पिरिचुअल यात्रा पर जा सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा परिवर्तन आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को फोकस्ड रहना पड़ेगा। पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ में आज ट्रेवल संभव है। आपको सबसे पहले अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उनके पैर शुगर घर से निकलना चाहिए। वृषभ राशि, बढ़ते खर्च को कैसे कम करें, कर्जे को चुकाने के लिए रोडमैप तैयार करिए। आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी मंदी परेशान करेगी। वर्क प्लेस पर अलर्ट रहें, कोई गलत काम करने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एक साथ कई तरह के काम करने पड़ सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल और जिनको एंग्जाइटी ज्यादा रहती है उन लोगों को ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, कलह है तो आज उसमें शांति मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातचीत में किसी तीसरे व्यक्ति की बात मत करेगा, बात बिगड़ जाएगी। आपकी किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में टिक्का टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। बिना मांगे आज किसी को राय या सलाह मत दीजिएगा, हर पहलू पर विचार करने के बाद जब मांगे कोई सलाह तब दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मानसिक रूप से कोई परेशान कर सकता है, ऐसे लोग और एनवायरमेंट से दूर रहिए। मिथुन राशि, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, छोटे हो या बड़े हो, उनके साथ बॉन्डिंग भी मजबूत करनी है और अपने से छोटे भाई बहन की कंपनी पर भी ध्यान देना है, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि और शूल योग के बनने से जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का करते हैं, खाने पीने की चीजों को करते हैं,
या लघु और कुटीर उद्योग घर से चला रहे हैं उनकी बिक्री बढ़ सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। जो लोग ऑटोमोबाइल किसी प्रकार का सर्विस स्टेशन चला रहे हैं, फ्रीलांसर है, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मुनाफा मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आज थोड़ा बेटर रहेगा, काम में तीव्रता आएगी। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ कुछ सरप्राइज होने वाला है। आपको समझदारी का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल करने में मदद करेंगे आपकी स्किल, क्वालिटी और एबिलिटी। फैमिली में सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती है। सोशल लाइफ और राजनीतिक लेवल पर पब्लिक का सपोर्ट आपको सफल बनाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपना काम भी करेंगे और अपने लिए जीने का भी काम करेंगे। कर्क राशि, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई षड्यंत्र में फंसा सकता है, कोई ट्रैप कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस पर्सन, नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए। आज कोशिश करिए कि जो ग्राहक आपको छोड़ के जा चुके हैं उन्हें वापस कैसे लाया जाए। बिजनेस पर्सन को यदि किसी विदेशी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर मिल रहा है, बिजनेस के लिए ऑफर मिल रहा है, पार्टनरशिप के लिए ऑफर मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर बॉस के साथ किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर मीटिंग और ट्रैवल दोनों संभव है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में मल्टीटास्किंग होने का मौका मिलेगा, एक साथ कई तरह काम। दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखिएगा। सेहत के मामले में पहले से सुधार हो रहा है। फैमिली में रिलेटिव के साथ कोई मतभेद थे, आज वो दूर हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संडे को फंडे बनाने का मौका मिलेगा। आपको करियर में सफलता हासिल करनी है तो कठिन परिश्रम करने होंगे। सामाजिक स्तर पर आपके स्टेटस प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। प्रिय साथियों, आइए चार राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने के लिए आज नहाने के जल में थोड़े से तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। फिर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, कुमकुम, लाल कनेर के पुष्प, थोड़ा सा गुड़ और गेहूं और दूर्वा डालकर ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आप अर्घ्य दीजिए। फिर अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, ऐसे लोगों को गुड़, तिल से बनी हुई मिठाई, उनके काम की चीजें, कपड़े, मेडिसिन, ये डोनेट करने से बहुत सौभाग्यशाली बनने का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सिंह राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पहचान बढ़ेगी। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आज बिजनेस पर्सन के लिए बेहतरीन का काम करेंगे और काफी दिनों के बाद कोई डील जो फाइनल नहीं हो रही थी आज वो आगे बढ़ सकती है, फाइनल हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ बॉस पीठ पीछे भी करेंगे। कान में, जबड़े में दर्द परेशान कर सकता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ आज उनके सेवा भाव को देखते हुए आपको उनके साथ बैठना चाहिए, खूब सारे बातें करनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सेहत में सुधार आएगा, चेहरे पर ताजगी आएगी। सामाजिक काम से वाहवाही तो होगी लेकिन जलन रखने वाले लोग आज कुछ परेशानी कर सकते हैं। आज के दिन ईश्वर की आराधना और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी होने वाली। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने टीचर, कोच, मेंटर, जहां से भी ज्ञान मिले ले लीजिए, उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। कन्या राशि, कई ऐसे जटिल मामले होते हैं, कठिन समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हमारे पास नहीं होता है, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह और उनकी किसी मदद से आपके काम बन सकते हैं। बिजनेस पे अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन आपको थोड़ा परेशान भी कर सकती है। वर्क प्लेस पर विरोधियों के जाल में आप फंसने वाले, अलर्ट रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन, बॉस का मूड देखकर ही अपनी बात करें वरना क्रोध जाहिर हो सकता है। भागदौड़ के चलते सेहत भी आज थोड़ी गड़बड़ रहेगी। फैमिली में किसी की बात को लेकर अगर बहस हो रही है तो अगले की गलती पर माफ कर देना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कम्युनिकेशन गैप कोई न कोई शक पैदा कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने व्यवहार को देखिए कि कहीं आप किसी को दुखी तो नहीं कर रहे हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से संबंधों को मजबूत करने के लिए आज जेब भी ढीली करनी पड़ेगी और कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी। आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव और नए विचार और अच्छी सोच शाम के समय आपको कोई अच्छी खबर दे सकती है। पॉलिटिशियन के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। तुला राशि, आपकी पार्टनरशिप किसके साथ है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। बिजनेस में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आज दूरी बनाइए। बिजनेस पर्सन को लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए वरना टैक्स की या कोई और लीगल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। वर्क प्लेस पर बिना सोचे समझे कोई काम न करें। एम्प्लॉयड पर्सन, वर्क प्लेस पर दूसरों की मदद करिए, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइएगा। संडे को फंडे बनाने के लिए आज ट्रैवल और स्पिरिचुअल यात्रा स्पेशली हो सकती है।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज कुछ परिवर्तन होगा, बदलाव जीवन का हिस्सा जिसे स्वीकार करिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर को छोड़िए, वर्तमान को शानदार बनाइए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में खर्चों को बजट बनाकर करना होगा, वरना बाद में पैसे को लेकर तकलीफ आ सकती है। सेहत पहले से बेटर है। रविवार के दिन आज किसी विशेष व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलेगा, पुण्य मिलेगा। वृश्चिक राशि, बढ़ते खर्च और कट से छुटकारा पाने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। सर्वार स्थिति और शूल योग के बनने से बिजनेस पे अचानक से रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई अच्छी डील आपके हाथ लग सकती है। बिजनेस पर्सन को संघर्ष के लंबे अंतराल के बाद आज खुद को ऊर्जान्वित बनाने का मौका मिलेगा। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, जमीन या कोई गाड़ी लेने का सपना जल्द साकार होगा। वर्क प्लेस पर आपके दिमाग में बहुत शानदार आइडियाज आएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को यदि सीनियर के साथ काम करने का अवसर मिले तो इसे गवाइएगा मत, और ट्रैवल करने का मौका मिले तो तुरंत चलिए। सेहत के मामले में आज सर्दी, जुकाम या फिर वायरल तकलीफ परेशान दे सकती है। संडे को फंडे बनाने के साथ साथ स्पिरिचुअल यात्रा भी आज संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेने वाले हैं। आप दूसरों के खाते अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी जिंदगी को जीने को नजरअंदाज नहीं करें। पॉलिटिशियन और हायर पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को आज फायदा मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी आज बेहतर रहेगा। प्रिय साथियों, आइए अब आठ राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि कहां स्थित है एक ही शिला से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। यह है मध्य प्रदेश में भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर में है। इसी के पास एक पहाड़ी में अर्ध निर्मित शिव मंदिर में स्थित है यह शिवलिंग। इस मंदिर को भोजेश्वर शिव मंदिर के रूप में ख्याति प्राप्त है। मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के मध्य परमार वंश के राजा भोज के द्वारा किया गया था। इस शिवलिंग की पूर्ण लंबाई तकरीबन 18 फीट, इसका व्यास 7.5 फीट है। सिर्फ लिंग की लंबाई 12 फीट है। इस मंदिर के निर्माण को एक ही रात में कंप्लीट होना था और इसकी छत पूरी बनने से पहले ही सूर्य उदय हो गया, इसीलिए अर्ध निर्मित मंदिर है। गर्भगृह की अधूरी बनी छत 40 फीट के चार पिलर्स पर टिकी है। मंदिर के निकट पत्थरों पर बने योजना से संबंधित नक्शे से ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के अन्य जगहों पर मंडप, महामंडप और अंतराल बनाने की योजना थी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाना है। बदलाव ही जीवन का हिस्सा है, इसलिए आज रूटीन को बदलिए। बिजनेस में किसी बड़े प्रोजेक्ट या बड़े ऑर्डर पर आज स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। नई और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 के बीच में डील करिएगा। बिजनेस पर्सन, काम को लेकर सजग रहिए, प्रयास लगातार करते जाइए, क्या पता एक और प्रयास आपको सफलता दिला दे। अनएम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉयड पर्सन को जॉब चेंज करना है तो करियर के नए ऑप्शन मिलेंगे। सेहत को लेकर सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। परिवार के संग शुभ और मांगलिक कार्यों में शामिल होने का हिस्सा मिलेगा, पूर्ण सपोर्ट भी मिलेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको अपने सिद्धांतों का पालन करना होगा। ज्यादा लाभ के लालच में कोई गलत काम आज आप करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शॉपिंग, ट्रैवल, रोमांच और रोमांस संडे को फंडे बनाने में मदद करेंगे। सोशल लेवल पर आप अपने स्टेटस को और मजबूत कर पाएंगे। अचानक से यात्रा ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ सकती है। मकर राशि, घर के रिनोवेशन, शुभ और मांगलिक कार्य, स्पेशल ओकेजन में कोई समस्या आ जा सकती है। बिजनेस में किसी काम के लिए पैसों की किल्लत हो सकती है, पैसों की वजह से काम डिले या डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए एडवांस में प्लानिंग करके चलिए। वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियों का सामना ना चाहते हुए भी करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन पर वर्कलोड बढ़ सकता है, किसी और का भी वर्कलोड आपको उठाना पड़ सकता है। मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, काम से छुट्टी लेने का मन करेगा, लेकिन फिर भी काम पे जाना पड़ सकता है। ज्यादा चिंता नहीं, चिंतन करेगा। घरेलू मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दे, अन्यथा बात संभलने की जगह बिगड़ सकती है। फैमिली में किसी बात को लेकर रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शब्दों का आज प्रयोग सही ढंग से करिएगा, वरना कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। आपको अब मौज मस्ती को किनारे में रखकर आज के दिन भविष्य को लेकर कुछ देर के लिए प्लान जरूर करना चाहिए। पॉलिटिशियन को गुड न्यूज मिल सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स नए करियर के ऑप्शन आज तलाश करने वाले हैं। कुंभ राशि, आज किसी की मदद करके या मदद लेकर दिन गुजरने वाला है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलून, जिम, ऐसे लोग जो फैशन, पैशन, हॉबीज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के काम अच्छे रहेंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग आज संभव है।
बिजनेस में अकेला इंसान सिर्फ एक पानी के बूंद के समान है और पूरी टीम एक समंदर के समान है, इसलिए टीम बनाकर काम करिए। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर होने में कुछ समय और लग सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में किसी के भी अपमान करने के बारे में मत सोचिएगा, ना ही किसी खिल्ली उड़ाने के बारे में सोचिएगा। किसी पुरानी बीमारी के वापस आने के योग बन रहे हैं। संडे के दिन पिकनिक, लॉन्ग ड्राइव और शॉपिंग के साथ साथ मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आप दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आज बच जाइए, वरना कोई कानूनी दाव पेच में फंस जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के दिल का हाल आप आज जानकर उन्हें खुश करने वाले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज हो सकता है कि थोड़ी बेचैनी आपको परेशान करे। बाहर के कामों में व्यस्त जरूर रहिए, लेकिन घर में क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान दीजिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट आज मिलेगा। मीन राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर आज आप अच्छा फील करने वाले हैं। बिजनेस से रिलेटेड आज कोई स्ट्रांग और फ्यूचर को देखते हुए कोई डिसीजन लेने वाले, लेकिन डिसीजन इमोशंस में आकर मत लीजिएगा। बिजनेस पर्सन को ग्रहों का आज पूरा सपोर्ट मिलेगा। नए लाभ के बारे में आज कुछ काम करने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि और शूल योग के बनने से वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में आपका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करिए, जल्द आपको समाधान मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी है। संडे को लेकर फैमिली के साथ या फैमिली की कोई विश आज आप पूरी करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ एक दूसरे का पूरा सपोर्ट सॉल्यूशन लाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने करियर को लेकर सतर्क रहिए, लापरवाही मत करिएगा। आप अपनी बातों से लोगों को संतुष्ट करने में सफल रहेंगे। अपनी आजीविका, जिस चीज से आपका घर चलता है, उसे और बेहतर करने के बारे में चिंतन और मंथन करिए। समाज, परिवार या फिर सोशल मीडिया में आप आज बहुत अच्छे ढंग से एक्टिव रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष अगर 8th हाउस में हो तो इंसान रहस्य जानना चाहता है, नई लैंग्वेज सीखना चाहता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत अच्छे ढंग से जानता है। व्यक्ति को अपने विरासत से या फिर पैतृक संपत्ति से धन मिलता है और ऐसे लोग गहन चिंतन और मंथन करते हैं, लेकिन जुबान से थोड़े कमजोर हो जाते हैं, अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस इन लोगों में कम रहता है और इनके जीवन को बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, वहां ये इजी रहते हैं, जहां इजी रहना चाहिए वहां ये गंभीर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट और मानसिक बीमारी भी कई बार बहुत ज्यादा लेवल पर हो जाती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका 11 बार जाप करिए। उसके बाद अपने वजन के बराबर गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों में करिए और किसी की मेडिसिन को लेकर मदद कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है, इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।